नमस्कार दोस्तों, मैं परमानंद और आप देख रहे हैं परमानंद कार ब्लॉग्स। आज की ब्लॉग्स में काफ़ी रिसेंट और अपडेट गाड़ी मिलेगी जो ट्रू वैल्यू कोकर की। अपने स्तर से आप सेटिस्फाइड होने के लिए आपको खुद का मैकेनिक भी ला सकते हैं और मारुति की ओर से जो भी सेटिस्फाइड होती है वो तो मिलेगी वारंटी सर्विस, बट अपने हिसाब से आप सेटिस्फाइड होने के लिए आप खुद का मैकेनिक भी ला सकते हैं या अनुभवी आदमी से जाँच परख के गाड़ी ले सकते हैं। चलिए, और जब भी गाड़ी लीजिएगा तो टेस्ट ड्राइव करके ही लीजिएगा, अंत तक देखिए जिससे आपकी पसंद की गाड़ी छूट ना जाए। चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको पर्सनल यूज से कमर्शियल यूज या बुकिंग पर्पस में यूज होने वाली गाड़ी जो सियाज है। सियाज व्हाइट कलर की गाड़ी काफ़ी खूबसूरत लग रही है, ओरिजिनल कलर में है और बम्पर आपका टचअप किया हुआ है, जो पेंट किया हुआ है। रांची रजिस्ट्रेशन गाड़ी है। बैक प्रोफाइल में देखिए पार्किंग सेंसर लगी हुई है, जो सियाज है VXI मॉडल। पहले आपका ये 2016 की मॉडल है, काफ़ी खूबसूरत भी लग रही है, व्हाइट कलर की और सेडान गाड़ी, प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी है मारुति में। तो देखते हैं इस गाड़ी का इंटीरियर क्या कंडीशन है। इंटीरियर कंडीशन भी काफ़ी फ्रेश है, इसमें आपका 2 एयरबैग्स मिल जाती है और लेदर की सीट कवर लगी है और उसकी कंडीशन भी काफ़ी फ्रेश है। मैनुअल ट्रांसमिशन है, एसी है, हीटर है, म्यूजिक सिस्टम है, टायर की कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है। करते हैं इस गाड़ी का डिटेल्स में। ये है 2016 की मॉडल, मात्र चली हुई 40,000, मतलब ये मात्र 40,000 चली हुई फ्रेश कंडीशन में गाड़ी है, व्हाइट कलर की, 2016 की VXI मॉडल है, सियाज की VXI मॉडल पेट्रोल वेरिएंट में। और इस गाड़ी का रनिंग है मात्र 40,000, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। और इस गाड़ी का रेट रखे हुए हैं, रेट रखा हुआ है 5,38,000, जो थोड़ा बहुत मान सम्मान जो भी हो वो हो जाएगी, लेकिन आइए विजिट कीजिए, टेस्ट ड्राइव करके ही गाड़ी परचेज कीजिए। एस्क्रॉस है, रांची रजिस्ट्रेशन गाड़ी, कलर भी काफ़ी खूबसूरत है, DDI, मतलब ये डीजल वेरियंट की गाड़ी है एस्क्रॉस। और ये टॉप मॉडल गाड़ी है, सेकंड टॉप मॉडल जो जेटा मॉडल है, कंपनी फिटेड अलॉय लगी हुई है, कलर भी काफ़ी खूबसूरत है, ग्रे कलर में, देखिए डीजल वेरिएंट की है। बैक प्रोफाइल में देखते हैं पार्किंग सेंसर लगी हुई है और कैमरा भी लगी हुई है इस गाड़ी पे। गाड़ी काफ़ी फ्रेश लग रही है। इंटीरियर देखते हैं इंटीरियर क्या कंडीशन है। इंटीरियर कंडीशन भी काफ़ी फ्रेश है, देख सकते हैं अब हम बात करते हैं इस गाड़ी का डिटेल्स। ये है 2016 की मॉडल, ये भी गाड़ी 2016 की मॉडल है, बट इस गाड़ी का रनिंग थोड़ा ज़्यादा है, जो 1,00,000 है। इस गाड़ी का रनिंग है 1,00,000 और डीजल वेरिएंट में कॉमन है 1,00,000, मतलब डीजल में स्पेशल रनिंग के लिए ही डीजल लिया जाता है और माइलेज के चलते। तो ये आपका माइलेज भी काफ़ी अच्छी देगी और ये 2016 की मॉडल है, 1,00,000 चली हुई है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है डीजल वेरिएंट में। और इस गाड़ी का रेट रखे हुए हैं 5,17,000, जो भी होगा थोड़ा बहुत मान सम्मान हो जाएगी चाय कॉफ़ी के साथ और नेगोशिएबल के साथ भी आपको गाड़ी मिल जाएगी थोड़ा बहुत डिस्काउंट के साथ, और फाइनेंस इजी वे में हो जाएगी ऑल ओवर झारखंड में। कनार जो फैमिली पर्पज़ में यूज होने वाली गाड़ी है, काफ़ी खूबसूरत कलर भी है और कलर के साथ इस गाड़ी में फुली एसेसरीज भी लगी हुई है। फुली एसेसरीज लगी हुई है, जमशेदपुर रजिस्ट्रेशन गाड़ी है। देखिए वैगनर में आपका एलावी लगी हुई है, जो कस्टमर ऑफ मार्केट से लगाए हैं, कलर ओरिजिनल कलर में है। चारों तरफ से देख लीजिए, बैक प्रोफाइल में देखिए, ये आपका VXI मॉडल है, वैगनर की VXI मॉडल है। इंटीरियर कंडीशन देखते हैं, इंटीरियर कंडीशन भी काफ़ी फ्रेश है। ये VXI मॉडल है, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो मिल जाती है, इसमें एक एयरबैग्स है और गाड़ी काफ़ी फ्रेश कंडीशन में है, अलॉय व्हील लगी हुई है। देखिए कलर भी काफ़ी खूबसूरत है, मेहंदी कलर में, जैसे ग्रे कलर की है, काय कलर में। और ये चली हुई है 72,000, फर्स्ट ओनर गाड़ी है और इस गाड़ी का जेन्युइन रेट भी रखे हुए हैं, लेकिन ये 2015 की मॉडल है पेट्रोल वेरियंट में। इस गाड़ी का रेट रखे हुए हैं 3,06,000। अगली गाड़ी है i20 एक्टिव, मतलब आपका टॉप मॉडल गाड़ी है i20 की और गाड़ी काफ़ी फ्रेश कंडीशन में, व्हाइट कलर की, काफ़ी खूबसूरत भी लग रही है।
i20 एक्टिव है देखिए। और इस गाड़ी में आपका बैक प्रोफाइल में देखिए कैमरा लगी हुई है, कैमरा लगी हुई है, रांची रजिस्ट्रेशन गाड़ी है, बम्फर गार्ड लगी हुई है। टायर की कंडीशन भी देख लेते हैं, टायर की कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है, कंपनी फिटेड अलॉय व्हील लगी हुई है। इंटीरियर देखते हैं इंटीरियर क्या कंडीशन में है, इंटीरियर कंडीशन भी काफ़ी फ्रेश है, मैनुअल है आपका और टचेबल डिस्प्ले है, टचेबल डिस्प्ले लगा हुआ है, एयरबैग्स भी है, एयरबैग्स तो इसमें नहीं है, लेदर की सीट कवर लगी हुई है, रूप की कंडीशन भी काफ़ी फ्रेश है। ये गाड़ी चली हुई मात्र 42,000, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, रांची रजिस्ट्रेशन गाड़ी, 15 की मॉडल है, और इस गाड़ी का रेट रखे हुए हैं 4,64,000। इस गाड़ी का रेट है 4,64,000, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, काफ़ी खूबसूरत कलर भी है, और आप इसे फाइनेंस करना चाहते हैं तो फाइनेंस भी इजी वे में हो जाएगी। अगली गाड़ी है कम बजट की, वेल मेंटेन और फ्रेश कंडीशन की गाड़ी, वैगनार, जो फर्स्ट ओनर गाड़ी है, रांची रजिस्ट्रेशन गाड़ी, ओरिजिनल कलर में और फुली मेंटेन के साथ। ये आपका वैगनार की एलेक्साई मॉडल है, एलेक्साई मॉडल है, बट गाड़ी काफ़ी फ्रेश कंडीशन में है, रांची रजिस्ट्रेशन गाड़ी है 2009 की, और टायर की कंडीशन देख सकते हैं, चारों टायर न्यू ब्रांड है, मतलब इस गाड़ी में कोई तरह की खर्च नहीं है, बट ये मॉडल पुरानी है। जिसके पास थोड़ा पैसा की बजट कम है तो वो फैमिली पर्पस यूज होने वाली वैगनार भी आप खरीद सकते हैं। देखिए फ्रेश कंडीशन में है इंटीरियर, म्यूजिक सिस्टम लगी हुई है, एसी है। इस गाड़ी का रनिंग है 40,000, फर्स्ट ओनर गाड़ी है और फुली मेंटेन गाड़ी है, और इस गाड़ी का रेट रखे हुए है 1.5 लाख, लेकिन उसमें भी आपकी जगह बन जाएगी, लेकिन फुली मेंटेन में है और वेल कंडीशन की गाड़ी है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आइए, अपने सेटिस्फाइड पर्सन को भी लेते आइए और उससे दिखवा के भी ले सकते हैं। हालांकि ट्रू वैल्यू में सारी गाड़ी चेक होके मिलती है, और 1.5 लाख फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 2009 की मॉडल है, मात्र 40,000 चली गाड़ी है। सियाज जो रांची रजिस्ट्रेशन गाड़ी है, सिल्वर कलर में काफी खूबसूरत लग रहे हैं, डीजल वेरियंट में रांची रजिस्ट्रेशन गाड़ी है, सिल्वर कलर की है, कलर भी काफ़ी खूबसूरत है और फ्रेश कंडीशन में गाड़ी है। बैक प्रोफाइल में देखते हैं क्या कुछ है, इसमें पार्किंग सेंसर है और बैक प्रोफाइल में कैमरा भी लगी हुई है। देखते हैं इंटीरियर क्या कंडीशन है, इंटीरियर कंडीशन भी काफ़ी फ्रेश है, मैनुअल ट्रांसमिशन है और इसमें आपका एयरबैग्स भी मिल जाएगी, 2 एयरबैग्स और सीट कवर भी लगी हुई है। की मॉडल है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, वेल मेंटेन और फ्रेश कंडीशन की, बुकिंग पर्पस पर्सनल यूज होने वाली गाड़ी, जो सियाज है, सेडान में काफी खूबसूरत लगती भी है, लुक भी जबरदस्त है, डीजल वेरिएंट में माइलेज के मामले में काफी ज्यादा है, और मारुति की गाड़ी माइलेज में तो हमको नहीं लगता कि कोई गाड़ी टक्कर देती है, बट थोड़ा मेंटेनेंस भी बहुत कम है, जो लो मेंटेनेंस बोलते हैं मारुति की गाड़ी अक्सर रहती है। तो सेडान गाड़ी अगर पसंद करते हैं तो विजिट कीजिए, और प्रेमसंस मोटर कोकर ट्रू वैल्यू, और जो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर पे कॉल करके वेरीफाई कीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि इस गाड़ी का रेट क्या है, हमने तो कंडीशन तो जो भी है देख ली है और जो भी है फिजिकल देखना होगा, लेकिन अभी वीडियो के माध्यम से जो देख रहे हैं अब हम बात करते हैं इस गाड़ी का रेट और डिटेल्स में। ये 2017 की मॉडल है, चली हुई है, 1,40,000, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। इस गाड़ी का रेट रखे है 5,39,000। यहाँ पे जो भी होती है ट्रांसपेरेंसी के साथ होती है, मीटर में कोई तरह की छेड़छाड़ नहीं होती है, जो भी है एक्चुअल है, 1,40,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी। इस गाड़ी का रेट है 5,39,000। अगली गाड़ी है आपका डिजायर, डिजायर देख सकते हैं कितनी चमचमा रही है गाड़ी, मतलब कितनी फ्रेश कंडीशन में है, फुली एसेसरीज के साथ, और ये आपका अलॉय व्हील लगी हुई तो और खूबसूरत लग रही है। तो देख सकते हैं गाड़ी काफ़ी वेल मेंटेन और फ्रेश कंडीशन में है, ओरिजिनल कलर में है, कहीं स्क्रैच कहीं डेंट पेंट नहीं है, फुली एसेसरीज के साथ, और मतलब गाड़ी की शाइनिंग से पता चल रहा है कि गाड़ी काफ़ी कम चली हुई है। तो देख लीजिए पहले बैक प्रोफाइल क्या कुछ है, इसमें आपको पार्किंग सेंसर तो नहीं है बट इस गाड़ी में लगी हुई है, जो कस्टमर लगाए हैं, कैमरा लगी हुई है,
VXI ऑटो गियर शिफ्ट, मतलब ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। बैक प्रोफाइल में देखिए बम्पर गार्ड भी लगी हुई है और एलाइविल तो देख सकते हैं जो काफ़ी खूबसूरत लुक दे रही है इस गाड़ी का। टायर की कंडीशन भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। इंटीरियर देखते हैं, इंटीरियर क्या कंडीशन, इंटीरियर कंडीशन भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। लेदर की सीट कवर लगी हुई है, टचेबल डिस्प्ले लगी हुई है, ऐसे कंपनी फिटेड तो म्यूजिक सिस्टम लगी हुई है, दो एयरबैग्स है, एसी है, हीटर है, ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट देखिए। रूफ की कंडीशन भी काफ़ी फ्रेश है। चलिए अब हम बात करते हैं इस गाड़ी का डिटेल्स। चलिए अब हम बात करते हैं इस गाड़ी का डिटेल्स। ये 2017 की मॉडल है बट ये लग नहीं रही है कि 17 की है। क्या है कि शाइनिंग जबरदस्त है, मतलब काफी कम चली हुई गाड़ी है। ये मात्र 22,000 चली हुई है। 2017 की मॉडल है बट फुली मेंटेन और फुली एक्सेसरीज के साथ ये गाड़ी है और काफ़ी शाइनिंग भी दे रही है इस गाड़ी का। देख सकते हैं रांची रजिस्ट्रेशन गाड़ी है और ये मात्र 22,000 चली हुई है। पेट्रोल वेरिएंट में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है और इस गाड़ी का जेन्युइन रेट रखे हुए हैं 6 लाख, राउंड फिगर 6 लाख। आइए थोड़ा बहुत उसमें भी जगह बन जाएगी लेकिन पहले जाँच परख के ही गाड़ी डिसाइड करें। अगली गाड़ी है डिजायर, जो बुकिंग पर्पस के लिए जानी जाती है और सेडान गाड़ी, पर्सनल यूज भी होती है। ये डिजायर है, रांची रजिस्ट्रेशन गाड़ी है। थोड़ा बहुत लग रही है कि डेंट पेंट हुआ है, ऐसे टायर की कंडीशन न्यू है, चारों टायर न्यू ब्रांड है और ये 73,000 चली हुई गाड़ी है। कलर भी काफ़ी खूबसूरत है, रांची रजिस्ट्रेशन गाड़ी है और इस गाड़ी का कंडीशन देखते हैं क्या कुछ कंडीशन है। ऐसे तो मॉडल है 2017 की, इंटीरियर कंडीशन भी काफ़ी फ्रेश है, काफ़ी फ्रेश कंडीशन में है और दो एयरबैग्स भी मिल जाती है, इनबिल्ट म्यूजिक सिस्टम भी है। चलिए अब हम बात करते हैं इस गाड़ी का डिटेल्स में। 2017 की मॉडल है, चली हुई 72,000 और फर्स्ट ओनर गाड़ी है और इस गाड़ी का रेट भी जेन्युइन रखे है, 5,38,000 2017 की मॉडल है और पेट्रोल वेरिएंट में। फाइनेंस आपको इजी वेब में होगी मल्टी ऑप्शन के साथ। अगली गाड़ी है स्विफ्ट, स्विफ्ट है 2016 की मॉडल लेकिन गाड़ी लग रही काफ़ी ज़बरदस्त। इसमें फुली एसेसरीज लगी हुई है और एलाइविल में तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है गाड़ी, देखिए एलाइविल मारुति की जेन्युइन एसेसरीज लगी हुई है और ओरिजिनल कलर में है स्विफ्ट, फुली एसेसरीज से लदा हुआ है, देखिए स्टिकरिंग कलर भी काफ़ी खूबसूरत से किया हुआ है, मतलब सुटेबल ढंग से। इसमें कैमरा भी लगी हुई है, पार्किंग सेंसर के साथ कैमरा भी लगी हुई है। स्विफ्ट के VXI मॉडल है, मॉडिफाई किया हुआ गाड़ी है, काफ़ी खूबसूरत लग रही है। देखिए क्रोम भी लगी हुई है, डोर हैंडल भी, डोर वाइजर भी लगी हुई है। इंटीरियर देखते हैं, इंटीरियर भी काफ़ी लाजवाब है। इसमें टचेबल डिस्प्ले है सोने की लगी हुई और सीट कवर भी लेदर की लगी हुई, जो इस गाड़ी का बॉडी से मैच किया हुआ है सीट कवर, जो काफ़ी खूबसूरत लग रही है। अब खूबसूरत तो लग रही है लेकिन जिस आधार पर मेंटेन है तो लगता है कि गाड़ी काफ़ी कम चली हुई भी होगी। देखते हैं गाड़ी कितनी चली हुई है। हाँ, लगभग हमने सही पकड़े, ये गाड़ी काफ़ी कम चली हुई है। अब काफ़ी कम चली हुई मतलब 25,000 मात चली हुई है, 25,000 मात चली हुई गाड़ी है और मॉडल है 2016 की, मतलब मॉडल काफ़ी हो गई है, मॉडल काफ़ी हो गई है, 2016 की है लेकिन जिस आधार पर मेंटेन है न्यू ब्रांड टाइप में है। तो ये है आपका मात्र 25,000 चली हुई पेट्रोल वेरिएंट में और 2016 की मॉडल है। अब हम बात करते हैं इस गाड़ी का रेट क्या होनी चाहिए। जिस आधार पर कंडीशन है उस आधार पर इस गाड़ी का रेट है 4,75,000, लेकिन थोड़ा बहुत आपके लिए मान सम्मान होगी जो आपका नेगोशियेबल होके मिलेगी आपको नाम ट्रांसफ़र के साथ। फाइनेंसिंग का डिटेल्स दे दिए और आई होप दोस्तों हमने लगभग सारी गाड़ी का जानकारी भी दे पाए या नहीं दे पाए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कहां से प्रॉब्लम त्रुटि आ रही है, तो कुछ हम अपने आप में भी बिल्डअप करेंगे, डेवलप करेंगे कि कहां पे कमी रह जाती है और आप ही लोग का सहयोग और सपोर्ट से कुछ अपडेट और भी जानकारी दे पाए। तो चलिए, वीडियो में आप नए हैं
तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप छोटा भाई को अगर कुछ एडवाइस देना चाहते हैं तो कुछ आप कमेंट सेक्शन में भी, आप कमेंट चैट बॉक्स में भी आप लिख के कुछ एडवाइस दे सकते हैं, जिससे हम अपने आप को सुधार पाएँ और आप लोग को अपडेट हमेशा दे पाएँ। चलिए, लगभग हमने सारी गाड़ी का जानकारी दे दिए और अब हम बात करते हैं कि फाइनेंस प्रोसेस में क्या क्या पेपर लगती है जो आप लोग के लिए असुविधा फील ना। हाँ, तो बात करते हैं फाइनेंस प्रोसेस में। फाइनेंस प्रोसेस में 4-5 पेपर कॉमन है जो हर किसी के पास रहती है और फाइनेंस प्रोसेस में कॉमन है। फाइनेंस प्रोसेस में डॉक्यूमेंट्स ये सब कॉमन है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक अपडेट, चेक, फोटो और ITR फाइल करते तो ITR फाइल नहीं करते तो भी चलेगी, बिजली बिल चाहिए और स्टेटमेंट 6 महीना की चाहिए और चेक 5-6 पीस चाहिए, ये कॉमन है। और जो भी प्रोसेसिंग चार्ज लगती है वो हर कंपनी की अलग अलग लगती है, इस चलते प्रोसेसिंग चार्ज नहीं बता पाएंगे, ये फाइनेंसर ही आपको क्लियर करेंगे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसे पुरानी गाड़ी में प्राइवेट फाइनेंस ही होती है और हर कंपनी की अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है। तो आप आइए, गाड़ी पहले देखिए, टेस्ट ड्राइव कीजिए, पसंद कीजिए गाड़ी, उसके बाद आप फाइनेंस प्रोसेस की बात करेंगे। तो लगभग हमने सारी गाड़ी का जानकारी दे दी है। आपका छोटा भाई को अगर कुछ ऐसा लगे कि थोड़ा बहुत वीडियो बनाने में भी कोई एरर आ रहा है तो भी आप फ्री का एडवाइस दे सकते हैं। चलिए, कोई बात नहीं है, फिर मिलते हैं अनदर वीडियो में। टेक केयर, बाय, जय।